दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने शो एंजल्स टॉक शो में। दोस्तों आज की ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है असिंक्रोनस काउंटर। आज अपनी वीडियो में हम आपको असिंक्रोनस काउंटर की पूरी डिटेल देंगे। अपनी वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हमारी न्यू एजुकेशनल टेक्निकल और मोटिवेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको काउंटर्स की डेफिनेशन दूंगा। काउंटर एक तरीके का रजिस्टर होता है जिसमें हम किसी भी एक सर्किट में कितने इवेंट्स या प्रोसेस क्रिएट होते हैं उनको काउंट करने के लिए, उनके नंबर ऑफ टाइम्स को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। एक एन बिट का काउंटर एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है जिसमें टोटल इवेंट्स काउंट किए जा सकते हैं। उनकी नंबरिंग होगी 0 to 2 to the power n-1। यहाँ पर इसको एग्जांपल के बिहाव पर भी समझा जा सकता है कि अगर हमारे पास 3 बिट्स का कोई काउंटर है जिसमें 3 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को काउंट जो किया जा सकता है दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 2 to the power 3-1, इट मीन्स फ्रॉम 0 to 7। दोस्तों काउंटर्स के यूज ना केवल काउंटिंग पर्पस के लिए किया जाता है बल्कि इसका यूज फ्रीक्वेंसी टाइम को मेजर करने के लिए भी किया जाता है और हम इसके थ्रू मेमोरी एड्रेसेस को भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको असिंक्रोनस काउंटर या इसको रिपल काउंटर भी कहा जाता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। इन असिंक्रोनस काउंटर द चेंज इन ट्रांजिशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्लॉक सिग्नल। इसका मतलब ये हुआ कि असिंक्रोनस काउंटर में जो आपका चेंज ऑफ ट्रांजिशन फ्लिप फ्लॉप्स का जो होता है वो क्लॉक पल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। द काउंटर इन विच एक्सटर्नल क्लॉक इज ओनली गिवन टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर खाली फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में ही हम एक्सटर्नल क्लॉक पल्स प्रोवाइड करवाते हैं एंड द सक्सीडिंग फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक्ड बाय द आउटपुट ऑफ द प्रीसीडिंग फ्लिप फ्लॉप्स। तो और जो आगे के फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं अपने से पहले वाले फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट के बिहाव पर वो क्लॉक्ड होते हैं, अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं। इस तरीके के जो काउंटर्स होते हैं उनको असिंक्रोनस काउंटर बोला जाता है और इन्हीं को ही हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं। दोस्तों रिपल काउंटर रिपल्स क्लॉक सिग्नल फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू द लास्ट स्टेज। रिपल काउंटर क्लॉक सिग्नल को रिपल्स करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्लिप फ्लॉप से लेकर लास्ट स्टेज ऑफ द फ्लिप फ्लॉप तक। इस तरीके के जो काउंटर्स होते हैं ये बेसिकली पावर कंज्यूम्पशन को डिक्रीज करते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ असिंक्रोनस काउंटर्स आपको बताया गया है जैसे कि अप काउंटर, डाउन काउंटर, रिपल अप और रिपल डाउन काउंटर, रिपल बीसीडी काउंटर। ये असिंक्रोनस काउंटर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। दोस्तों अब हम आपको असिंक्रोनस काउंटर्स की एप्लीकेशंस बताते हैं कि कहां कहां पर ये यूज किए जाते हैं। असिंक्रोनस काउंटर्स आर यूज्ड एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। सेकंड इसका जो एप्लीकेशन है दैट आर यूज्ड फॉर लो नॉइस एमिशन एंड लो पावर एप्लीकेशन। ऑल्सो असिंक्रोनस काउंटर्स आर यूज्ड इन डिजाइनिंग असिंक्रोनस डिकेड काउंटर्स एंड ऑल्सो असिंक्रोनस आर यूज इन रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर्स। सो इन दिस स्लाइड आई हैव टेल यू अबाउट द फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट द फुल डेफिनेशन ऑफ असिंक्रोनस काउंटर एंड ऑल्सो वाई असिंक्रोनस काउंटर्स आर नोन एज रिपल काउंटर्स हैव बीन ऑल्सो डिस्कस्ड इन दिस स्लाइड एंड ऑल्सो वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ असिंक्रोनस काउंटर्स अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशंस। नाउ इन दिस स्लाइड we will discuss about logic diagram of asynchronous counter. तो यहाँ पर हमने logic diagram of asynchronous counters के बारे में आपको बताया हुआ है। यहाँ पर 4 bit का asynchronous counter upward counter use हो रहा है जिसका type D type flip flop है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 flip flop starting from FF0, FF1, FF2 and FF3 ये 4 flip flops हैं जो कि D type के flip flops हैं। इनके states Q0, Q1, Q2 एंड Q3 हैं और नेक्स्ट स्टेट Q- हर एक फ्लिप फ्लॉप का अलग से हमने प्लेस किया हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड जो हो रहा है वो D इनपुट से हो रहा है एंड CK विल बी यूज्ड एज क्लॉक पल्स। तो इस लॉजिकल डायग्राम में हमने 4 बिट असिंक्रोनस काउंटर बनाया हुआ है जिसमें 4 D टाइप फ्लिप फ्लॉप्स यूज हो रहे हैं जो कि 0 से 15 तक काउंट करेंगे। यहाँ पर D इनपुट हर फ्लिप फ्लॉप के स्टेट आउटपुट Q- से कनेक्टेड है। फ्लिप फ्लॉप क्लॉक पल्स के पॉजिटिव एज में ट्रिगर होंगे। काउंटर के अन्य फ्लिप फ्लॉप अपने से पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के Q- आउटपुट से क्लॉक सिग्नल इनपुट
को रिसीव करते हैं और अपनी स्टेट को ट्रिगर करते हैं। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप FF0 का आउटपुट हर एक क्लॉक सिग्नल की पॉजिटिव एज पर चेंज होता है। दोस्तों इस स्लाइड में ये आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ असिंक्रोनस काउंटर यहाँ पर दिखाया गया है और नीचे वाले डायग्राम में ट्रांजिशन और टाइमिंग डायग्राम ऑफ असिंक्रोनस काउंटर आपको पूरी तरीके से समझाया गया है। ये दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल में टोटल 4 आपके आउटपुट्स हैं, जो कि 4 फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट्स हैं, जो कि Q0, Q1, Q2, Q3 हैं और यहाँ पे काउंटर की स्टेट लगी हुई है। यहाँ पर वेरी फर्स्ट स्टेट में जैसा कि आपको बताया गया है कि Q0 में हम क्लॉक पल्स को प्रोवाइड करवाते हैं और Q0 हर एक क्लॉक पल्स की पॉजिटिव एज में ट्रिगर करती है, यानी कि जब वैल्यू 1 to 0 होगी तब वो अपने से आगे वाले फ्लिप फ्लॉप की स्टेट वैल्यू को चेंज करेगी और उसको क्लॉक पल्स प्रोवाइड करवाएगी। दोस्तों यहाँ पर इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर हमने कुछ आपके लिए टिप्स दी हुई हैं, जिसको हम देख सकते हैं कि Q0 ट्रिगर्स इन ईच क्लॉक पल्स एंड Q1 ट्रिगर्स ओनली व्हेन Q0 विल बी गो फ्रॉम हायर टू लोअर या पॉजिटिव टू नेगेटिव एच। इसी तरीके से Q2 ट्रिगर्स व्हेन Q1 गोज टू हाई टू लोअर और पॉजिटिव टू नेगेटिव एच और Q3 ट्रिगर्स व्हेन Q2 विल बी फ्रॉम 1 to 0। तो इस तरीके से ये आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसको आप इजीली यहाँ से समझ सकते हैं। दोस्तों Q0 हर एक क्लॉक पल्स में अपनी वैल्यू को ट्रिगर करेगा और Q1 अपनी स्टेट को तब चेंज करेगा जब Q0 की वैल्यू 1 to 0 होगी। इसी तरीके से Q2 अपनी स्टेट को तब चेंज करेगा जब Q1 की वैल्यू 1 to 0 होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इन द सेम वे Q3 विल चेंज इट्स स्टेट व्हेन Q2 विल चेंज फ्रॉम 1 to 0। सो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर जो टोटल काउंटिंग इवेंट्स हो रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0000 अप टू ऑल ऑफ द बिट्स विल बी इन हायर पोजिशन, दैट इज इन 1111। द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स काउंटेड इन दिस सर्किट That will be starting from 0 to 15. It means total 16 events are occurred in this asynchronous counter for 4-bit D-type asynchronous counter. यहाँ पर हम इसको इससे भी इस transition diagram से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर यह आपकी clock pulse लगी हुई हैं। ये Q0, Q1, Q2, Q3 आपके outputs लगे हुए हैं, states हैं और last में counting value है कितनी counts, कितने events, कितने occur होंगे इस counter में। तो यहाँ पर हम इसमें देख सकते हैं कि Q0 हमेशा पॉजिटिव क्लॉक पल्स, पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स में अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। जैसे ही वैल्यू क्लॉक पल्स की हाई टू लो यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव 1 to 0 होगी तभी इसकी वैल्यू चेंज होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू 1 to 0 हो रही है, वैसे ही Q0 ने अपनी स्टेट को चेंज किया, दैट इज 0 to 1। इन द सेम वे इस स्टेट में जैसे ही 1 to 0 हो रही है Q0 अपनी स्टेट वैल्यू चेंज कर रहा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इसी तरीके से जैसे ही यहाँ पर थर्ड क्लॉक पल्स में 1 to 0 वैल्यू हो रही है, उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि Q0 ने अपनी स्टेट वैल्यू चेंज की, 0 to 1 हो गई है और ये वैल्यूज आपकी तब तक चलेंगी जब तक कि आपकी 16th काउंटिंग वैल्यूज नहीं हो जाती हैं। Q1 को हम देख सकते हैं कि Q1 हमेशा तब अपनी स्टेट को चेंज करेगा जब Q0 की वैल्यू 1 to 0 होगी। तो जैसे ही Q0 की वैल्यू 1 to 0 हुई है, थर्ड क्लॉक पल्स में Q1 ने भी अपनी स्टेट को चेंज किया हुआ है। पहले इसकी स्टेट 0 थी, अब इसकी स्टेट यहाँ पर 1 हो चुकी है। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वैल्यू 1 to 0 हो रही है, तो तभी आपकी उसी क्लॉक पल्स में ही Q1 ने भी अपनी वैल्यू चेंज की हुई है। अब Q2 के लिए भी हम देख सकते हैं कि Q2 हमेशा अपनी वैल्यू को तब चेंज करेगा जब Q1 अपनी वैल्यू 1 to 0 करेगा, यानी कि पॉजिटिव एज में रहेगा, 1 to 0 आएगी वैल्यू क्लॉक पल्स की। तो यहाँ पर फिफ्थ क्लॉक पल्स में हम देख सकते हैं कि Q1 ने अपनी स्टेज को चेंज किया हुआ, 1 to 0 हुआ है, तभी उसी समय पैरेलली Q2 भी अपनी वैल्यू को चेंज किया हुआ फिफ्थ क्लॉक पल्स में। स्टार्टिंग की 4th क्लॉक पल्स इसमें 0 थी, फिफ्थ क्लॉक पल्स के स्टार्ट होते ही Q2 ने भी अपनी वैल्यू को चेंज कर लिया है,
दैट इज 0 to 1। इसी तरीके से हम यहां पर भी देख सकते हैं कि Q3 स्टार्टिंग की 8 वैल्यूज में तो बिल्कुल जीरो रहा है, और जैसे ही Q2 की वैल्यू 1 से जीरो हुई है 9th क्लॉक पल्स में, वैसे ही Q3 ने भी अपनी वैल्यू को चेंज कर लिया है, दैट इज 0 to 1। और ये कंडीशन जब तक चलेगी जब तक कि आपकी नेक्स्ट क्लॉक पल्स Q2 की 1 टू 0 नहीं हो जाती है। एक चीज हम यहाँ पे आपको और भी बता दें कि ये 16th क्लॉक पल्स जो है आपकी, इस स्टेट में सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स अपनी पोजीशन 1 पर हैं, हाईएस्ट पोजीशन पर हैं। इसके आगे फिर ये काउंट करना बंद कर देता है सर्किट, क्योंकि ये टोटल 4 बिट्स का सर्किट है, 4 फ्लिप फ्लॉप्स इसमें यूज हो रहे हैं, तो टोटल 16 इवेंट्स ही इसमें काउंट होंगे, और 16 इवेंट पे सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप अपनी हायर स्टेट में हैं और सभी पॉजिटिव से नेगेटिव एज की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो आपको हमने असिंक्रोनस काउंटर के बारे में बताया हुआ है, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके एप्लीकेशंस, उसके लॉजिक डायग्राम के बारे में बताया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम के बारे में जो बताया हुआ है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप बहुत ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपने चैनल पर इसी तरीके से हम हमेशा एजुकेशनल टेक्निकल मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।